Assalamualaikum Grade Five. I hope you all are doing well. I welcome you all once again in the math online class. I am your Maths teacher. In the previous lecture, we have done Exercise 19, and today we will solve Exercise 21 and Exercise 24. So let's take out page number 78. exercise 21 so question is write as a percentage so you have to write these fractions into a percentage now take out your copies we will solve these sums on copy Okay, first you write date 3 December 2020. Focus exercise 21. Reference book page number 78. Question is write as a percentage. So, in this question, you have to write these fractions into percentage. Only a fraction with a denominator of 100 can be directly changed to percentage. यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में गिवन है जिसमें फ्रैक्शन क्या होता है कि डी और नॉमिनेटर जिसमें हो तो यहाँ पर जब हमारे पास क्वेश्चन में डी नॉमिनेटर में हंड्रेड गिवन हो तो हम जो है उसको डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर है क्वेश्चन ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड या ट्वेंटी एट आउट ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी एट परसेंट क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है थर्टी टू आउट ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टी टू परसेंट क्वेश्चन नंबर थ्री है एटी आउट ऑफ हंड्रेड इज़ इक्वल टू एटी परसेंट ये हमारे पास जो है हमने इन क्वेश्चन को फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में जो है कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ डी में हंड्रेड गिवन है तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते क्वेश्चन नंबर फोर इज फोर्टी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी फाइव परसेंट सिक्सटी आउट ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्सटी परसेंट वन फिफ्टी आउट ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू वन फिफ्टी परसेंट सो नाउ लेट स्टार्ट एक्सरसाइज ट्वेंटी फोर focus exercise 24 reference book page number 79 question is write as fractions in lowest terms you have to write these percentages into fraction and then into lowest terms first is 75% which is 75 by 100

नेक्स्ट भी इसी तरह करना है फिफ्टी परसेंट पहले हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है देन हमने इसकी कटिंग करनी है और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिफ्टी परसेंट को हमने लिखना है फिफ्टी बाई हंड्रेड हमने कटिंग कर दी कर देनी है जीरो जीरो की कटिंग हो गई फाइव बाई टेन फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन आंसर इज वन बाय टू क्वेश्चन नंबर थ्री है फोर हंड्रेड परसेंट फोर हंड्रेड परसेंट को पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में कर लिया है फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड और जीरो zero जीरो की कटिंग हो गई और फिर हमने यहाँ पर लिख लिया फोर बाय वन इज इक्वल टू फोर लोवेस्ट हम हमारे पास इसकी है फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट को हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में किया है ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड एंड देन हमने इसकी ट्वेंटी फाइव टेबल से कटिंग करनी है ट्वेंटी फाइव वन टाइम इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर टाइम इज इक्वल टू हंड्रेड वन बाई फोर हमारे पास इसका आंसर है तो हमने इसी तरह जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में करना है देन हमने उसको उसकी कटिंग करके हमने उसको लोवर टर्म में कन्वर्ट कर दिया है so hope you all understand the exercises and in the next class we will proceed with another exercise in